बुलंदशहर से ऋषु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सपा के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को न्यायालय ने सुनाई 14 माह कारावास की सजा। बुलंदशहर की विशेष MPML कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को सुनाई 14 माह के कारावास की सजा। विशेष न्यायालय MPML ACJM अनूपशहर विनय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक को माना दोषी। वर्ष 2011 में हलपुरा के राकेश शर्मा ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ने और ऐसा नहीं करने पर एनकाउंटर कराने की धमकी देने का आरोप लगा कराई थी। आरोप सही पाए जाने पर विशेष MPML कोर्ट ने पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को सुनाई 14 माह कारावास की सजा। दिबाई से सपा और बसपा के टिकट पर 2 बार विधायक चुने गए थे बाहुबली गुड्डू पंडित। बुलंदशहर के अनूपशहर की विशेष MPML कोर्ट ने मुकर्रर की सजा। सपा के पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित ने न्यायालय के प्रति जताए आस्था। बोल देंगे लोअर कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती। विषय ये था कि एक पेशेवर अपराधी है, उसका नाम है राकेश हलपुरा, जिसकी अभी अभी यूपी गवर्नमेंट ने उसकी संपत्ति कुर्क करी है और अनगिनत मर्डर है उस पर। तो उसने एक झूठा मुकदमा 2012 में मेरे खिलाफ किया था कि मारने की धमकी का। ना मेरा मोबाइल नंबर है, ना मेरा कोई कांटेक्ट मिलता है, लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे ऊपर कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो जमानत की अर्जी आपने डाली है उसमें? मुझे जमानत तत्काल मिल गई। तो मैं मामला ये था कि सन 2011 में वादी था राकेश कुमार शर्मा हनपुरिया वाले। उन्होंने एक तहरीर दी थी और वो तहरीर थाने में दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने गृह सचिव को दी थी कि मुझे उस मतलब विधानसभा था उनका क्षेत्र, वो ही चुनाव लड़ना चाहते थे अपने शिकारपुर से। वहाँ से नहीं, उनके भाई जो मुकेश पंडित जी हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने ये तहरीर में लिखा था कि ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं 14 वसूली के लिए, कि मेरे संग गलत कार्यों में साथ न देने पर इस तरह की घटना। मैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पंजीकृत की, गृह सचिव महोदय के द्वारा पंजीकृत हुआ और उस पर संज्ञान लेकर सीओ साहब ने मुकदमा पंजीकृत 2011 में हुआ था। तो सजा यदि यह कि उसमें सजा का प्रावधान है कि एक वर 384 धारा है और उस 384 धारा में एक वर 2 माह का कारावास हुआ है, साधारण कारावास है, और दूसरे नंबर 506 धारा है तो उसमें 8 माह का कारावास है। तो बेलो भी होते हैं उसमें, कोई दिक्कत अपील के लिए जाते हैं तो उसमें अग्नि जमानत दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है।